नमस्कार दर्शकों, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। हमारे साथ जो व्यापारी हैं सुनील जी जैन हैं, इनसे समझते हैं कि जो रायड़ा जो मंसूर मंडी का आता है, मंसूर मंडी के अंदर आता है, अलसी आती है, तो खास तौर से हम रायड़े की बात करेंगे क्योंकि रायड़े का जो तेल है वो निकलता है और मार्केट में कहीं ना कहीं इसका जो असर जो है आम जनता पर पड़ता है। तो रायड़ा और सरसों की बात हम करेंगे सुनील जी से कि सुनील जी आज क्या स्थिति है मंसूर मंडी के अंदर। सुनील जी, आपका मार्केट टाइम्स की में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या स्थिति है आज जो है मंडी की? और मंडी की स्थिति बहुत बढ़िया है, भाव भी बहुत अच्छे हैं। 4500 से लेके 5000 रुपये तक बिक रहा है रायड़ा, और अलसी बिक्री है 4500 से लेके 55-56 रुपए तक। खास तौर से रायड़े की बात करें क्योंकि रायड़े का तेल निकलता है और जो मार्केट में खपत भी है, ऐसी स्थिति में क्योंकि शादी ब्याह की सीजन भी अभी चल रही है, तो इसकी आगे क्या रहेगी, अभी क्या डिमांड है और आगे क्या स्थिति रहेगी? आगे 2 महीने बाद इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, वो जी बारिश में बढ़ जाती है, और 200-300 रुपए उछल आना चाहिए। हाँ, अभी 5500 करीब चल रहा है। नहीं, रावा बिक रहा है 49 से 50, और अलसी बिक्री है 4500 से 5500। तो रायड़े की बात करें तो 50,000 तक, सॉरी माफ कीजिएगा, 5000 तक जो है यहाँ जा रहा है। हाँ, तो आगे 53-54 रुपए तक जाना चाहिए। जी जी, ये कब तक भाव रहेंगे और क्या इसका ये अगस्त के आसपास आम आदमी पर इसका क्या असर होना चाहिए? रायड़ा जो है वो खासतौर से किस काम में आता तेल? ये खाद्य तेल है, खाद्य पदार्थ है। तो 5400 मतलब 5.5 तक जा सकता है? हाँ, 54-55 रुपए तक जाएगा। तो ये उसी समय क्यों बढ़ता है, मतलब किस समय बढ़ता है ये? बारिश में इसकी डिमांड बढ़ जाती है बोझी। अच्छा, जो ऊपरी इलाके होते हैं, जो बर्फीले या पहाड़ी इलाके होते हैं, उनकी डिमांड एक्स्ट्रा निकल जाती है। अच्छा, जी जी जी। चलिए, तो जो है दो मतलब बारिश का जो समय रहेगा उस टाइम पे रायड़े की जो है डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ती है तो कुल मिला के ये है कि रायड़े का जो किसानों को है वो दाम भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। करीब 400-500 रुपए की तेजी यहाँ बता रहे हैं कि महीने, डेढ़ महीने या दो महीने के भीतर 400-500 रुपए की तेजी रायड़े में मिल सकती है। मार्केट टाइम्स के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा हूं।